चाबी कटी जाए तो वेलकम बैक गाइस, इट्स योर अक्षय 56 राइडर्स बैक अपनी फिल्म के साथ। तो सबने पहले राधे राधे। तो भाई सीन पानी ऐसा है कि अभी मैं जा रहा हूँ आईटीआई, तो साथ में भाई भी हैं। तो भाई ने पता नहीं क्या मोड करा दिया बाइक में, वो मेरे को नहीं पता क्योंकि बाइक चले गई थी भाई के पास, उसके बाद मेरे को कुछ नहीं आता पता। तो अभी चलो अपनी फ्लेम हमारे पास थी तो फ्लेम को वॉश कराना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं यहाँ से फुल पावर आईटीआई की तरफ। तो भाई बहुत दिनों बाद आईटीआई जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी आईटीआई वैसे आने बोला होगा ब्लॉग में, इन्होंने सुना होगा तो मेरी ख़त्म हो चुकी है पर इन्होंने बुलाया है। तो भाई साहब पालनपुर में पहुँच गए फाइनली। हाय बाय तो गाइस देखो क्या करवाया इन्होंने भाई, क्या मतलब अब से टाउन से पर ठा ठा हो गया वापस ठा ठा। ओ कहां पे, अरे ऊपर तक नहीं हो गया था ना, ये इसको डाल लो ना, अरे डाल लो रो। ओ भाई भाई एग्जॉस्ट की जरूरत ही नहीं है। वाह वाह रे गंदे, वाह वाह रे वाह वाह, एग्जॉस्ट की जरूरत ही नहीं है। भाई लोगो चलो, भाई गियर से बार बार जो डाउन करे कर पटाखे। खतरनाक, वाह अरे वाह जल्दी निकलो यार, पीछे पुलिस वाले हैं। ओ भाई वाह अरे वाह वाह, खतरनाक भाई, खतरनाक साउंड भाई। उधर जाना बोर्ड करा दिया ना क्यों पता कहाँ से जाओ, गली से बढ़ो ना, गली से नहीं। चलो गाइस मिलते हैं फिर आपको बाद में। ओ ले 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 गाइस, अभी आईटीआई पहुंचे थे, देखो क्लास लगी है। ये हमारे सर 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 सर, हेलो हेलो कर दो सर हेलो। तो भाई सर आए नहीं है। तो भाई लोगों सीन ऐसा है कि अभी हमने ले लिया अपडे, तो अभी घर जाने वाले हैं। घर तो क्या जाएंगे भाई, गए हैं राइड पर। तो भाई लोगों फुल पावर अभी निकलने वाले हैं,
तो भाई को फ़ोन किया था भाई, तो अभी मतलब आगे टाइम से निकल आया मैं वहाँ से प्रॉपर, वहाँ पे मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था क्योंकि भाई दोस्त थे साथ में, तो फिर उससे बातों में चले आए। अब सीन ऐसा है कि अभी जा रहे हैं, पर ये मेरे को नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। वो भाई जिया के साइड ही हैं, जिया मोनेस्ट्री साइड, मेरे को देखते हैं मेरे को कहाँ भैया से मिलते हैं। तो गाइस सीन ऐसा है कि अभी हम पालमपुर से इस साइड पहुँच चुके हैं अपना वृंदावन साइड। तो पीछे मैंने शूट नहीं किया भाई क्योंकि वहाँ पे लग पड़ी थी बारिश, मैं कैमरा साफ़ कर लेते एक बार, तो वहाँ पे लगी थी बारिश जिसके कारण मैंने शूट नहीं किया। अभी चले फुल पावर भाई की तरफ, भाई बोल रहे थे कहाँ जा रहे, कांगड़ा जाएंगे साइड से या पता नहीं कहाँ जाएंगे। भाई देख लो भाई यहाँ पे रोड गिले, बारिश हुई है पूरे हाल से भाई। तो भाई कैमरा ऑफ कर रहा हूँ बीच बीच में भाई, ये सीन पानी है अपना बहना से पालनपुर, पालनपुर से यहाँ पे देख लो। तो भाई तुम्हारा भाई खींच रहा है, ब्रेक के हैं नहीं। ओहो भाई लोगो अभी देखो फुल पावर भी गोपालपुर पहुंच चुके हैं। भाई बोल रहे मैं गोपालपुर में ही खड़ा हूँ, अब देखता हूँ मैं कहाँ पे जैसे खड़े हो। अरे बोलते कि हमें झूठ बोलता हूँ, खुद बोलते गोपालपुर में खड़ा हो, गोपालपुर में कहाँ खड़े हो। ओह अच्छा BA7 है। ओ भाई साहब क्यों लगा ली एंटर वाली, क्या करना है भाई? नहीं लगानी थी। और भाई क्या लेना? तो गाइस मोल पानी ऐसा हो गया है कि आगे देख रहे हो ये शख्स चले हैं BS7 अपनी NS160 के साथ, जो न्यू मॉडल है ये, और है और पीछे आपको पता है भाई है, तो उन्होंने अपना एग्जॉस्ट वापस लगा दिया है, तब तो ऐसे थोड़ी देर के लिए खोला था। और अभी चलो फुल पावर घर अभी चले हुए हैं, अभी बोल रहे हैं कि अपना मैक्रो साइड चलते हैं क्योंकि वही मतलब मौसम ऐसा बना कि मैक्रो साइड जाने का। ओ ओहो भाई साहब लग गई रे, लग गई। यही ना, तो भाई साहब ये लोग आए थे यहां तक। ओ बाबा रुक लेते हैं, रुक लो रुक लो रुक लेते रुक लेते। तो भाई साहब अभी हम मैं यहाँ पहुंचा ही था ना, मैंने बोला भाई मैं बारिश पड़ रही, बारह बच रहा था ना, अब ऐसे तैसे करके बारिश लगी पड़ी। और ये देख रहे हो गाइस आयरिश की चाबी मेरे पास है, भाई आ गए हैं बिना चाबी के भेज दिया है। भागो रे भागो, मेरे को पता था मैं मोड़ पे डरता हूँ यार, सीन तो वो है जब मेरे मोड़ का ये सीन पानी आए हाय हाय, जब बारिश के छींटे पड़ रहे हैं इतनी ज़्यादा लग रही है ना। यो यहाँ पे देखो सुक्का
कोई फायदा नहीं है। गाड़ी वाला भी नहीं हटा रहा था। खाली रोड बाबा, खाली रोड। मेरे को भाई ब्रेकों का डर है। क्या क्यों या? क्या बोले? स्कूट बाइक ने बाइक हाँ तो कुछ थे ही नहीं। अरे यार मेरे को ये डर लग रहा था। अरे बाइक का छड़ा बेरे चाबी कटी लेना। अरे चलो ओ ये क्या सीन भाई, ओ ये क्या? अरे भाई ठंडा चले ना भाई, कुछ ले भाई, भाई भाई कुछ ले सोगी है ठंडा है ना। चलो 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 कट, चलो चलो भाई चलो पीछे पीछे चलो। अरे यार इसकी ओ मैं कर लेंगे, चलो तुम मोड कर दो बाइक, अपनी बाइक कहीं पे लगा भाई, अपनी बाइक साइड में लगा, साथ में चलते हैं, यहीं पे लगा दो साइड में। अरे यार ये मैं कहने हैं भाई, चलो बैठो 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 पहुंचा देंगे भाई, पहुंचा देंगे। अरे अरे यार ये इस बाइक मेरे को पीछे डाउट हो गया था, कुछ ना कुछ हुआ है, गलती किसकी थी? तो भाई देख लो भाई, पुलिस वाले ने रोका नहीं है ना, और चलान कर दिया मेरे को लग रहा है इन्होंने। ओह भाई लोगों, तो पीछे रहे थोड़ी देर। तो भाई इसके बोले यार मोड ऑफ हो गए पूरे भाई। बाइक का बोन लगा स्टैच वो कटवाई लिया।
चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। ठीक है भाई, फिर ध्यान रखना। तो मेन आपको घर पहुँच के बताएंगे, ठीक है भाई? टॉपिक घर पहुँच के बताना, सब नहीं था पर अभी घर पहुँच के बताएंगे। मैं भी घर पहुँच के बताऊँगा ज़्यादा तो हम बता नहीं पाएंगे, थोड़ा बहुत। ओ जम गई एक। तो भाई मेरे में बाइक में लाइट नहीं है, तो भाई की मैंने बताया नहीं होगा आपको कि मेरी लाइट जा चुकी है। चलो गाइस अब मिलते हैं आपको, सीधा घर के बाहर ही मिलेंगे या घर पे मिलेंगे। तो क्योंकि यार मेन अभी आपको मैं टॉपिक बताऊंगा, टॉपिक घर पहुंच के बताऊंगा क्या सीन होता है प्रॉपर। तो वीडियो लास्ट तक देखना यार भाई को। इंडिकेटर जला लो। तो भाई लोगों तभी अपनी बाइक से स्विच हो चुके हैं। तो भाई देख लो बिना लाइटों के चले हैं। मेन देखो वायरिंग का कोई इशू पड़ा है, तो ये बोलते भाई थर्ड पार्टी वायरिंग मत करा करो बाइक में। तो ये पता नहीं वो से वायर शॉर्ट हो, उसके कारण मेरी लाइट भी नहीं चल रही है, लाइट भी शॉर्ट हो गई है। 15,000 का चूना वो लग चुका है, और देख लो यहाँ पे जो चलते वो भी नहीं चली हुई है। तो भाई तो गाइस सीन ऐसा कि अभी हम रात को वापस आ चुके थे, तो मैं डे 2 डे 3 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो। तो गाइस सीन ऐसा था कि मैं आपको टॉपिक की बात करूँ, तो पहले तो मैं आपको मैं फुटेज जो होंगी जो कैसे क्रैश हुआ था, तो वो फुटेज में आपको, फुटेज तो नहीं है आपको, फोटो ली है जो जैसे हुआ था, तो फोटो मैं आपको अटैच कर, तो पहले आप फोटो देख लो। तो भाई आपने फोटो देख ली होगी, अभी मैंने जो फोटो दिखाए, तो सीन ऐसा था कि भाई अपना मोड़ काटते वक्त जैसे मैं आगे निकल गया था, तो पीछे वो अपनी साइड में बाहर निकाल दी थी उन्होंने, पूरी साइड में आगे थे, तो साइड में आगे थे पूरा। और जो गाड़ी वाला था, तो जो भाई बता रहे थे गाड़ी वाला डराने के लिए, मतलब वो टेढ़ी मेढ़ी कर रहा था, उसने ड्रिंक भी की हुई थी, पर हमें तब ये सीन था कि हमें भाई को ठीक करना था, इसके चक्कर में हमने उसको कुछ पूछताछ नहीं की हमने से कि हाँ भाई कुछ ये बंदा बोलता कि भाई बंदे गिर गया ना, अभी इसमें बोलो कि भाई बंदे में बहुत हौसला था, तो भाई वो भाई जल्दी से ठीक हो जाए, बस आप एक मिनट करो और अपना ये करते रहो, आप भाई प्रेयर करते रहो कि भाई वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो मेन वो था कि उनके पैर में मतलब किसी का इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा, वो साइड में आ गए थे, उनकी 0 स्पीड थी, बस मेन गाड़ी वाला आया, गाड़ी वाले ने सीधी बार दी। और बाइक पे बाइक का तो मैं बोलूँ डैमेज ठीक ठाक हुआ है, तो बाइक हमने देखी नहीं थी क्योंकि हम घर आ गए थे, भाई हॉस्पिटल में थे क्योंकि उनको मेन टांके लगने थे, तो टांके लग गए थे, मेन प्लस्तर होना था भाई। पहली बात तो भाई टांडा हॉस्पिटल में, तो भाई मतलब एमरजेंसी में गए थे, एमरजेंसी में भाई उन्होंने कुछ खास नहीं किया भाई, चलो नंबर लगा दिया। अब 2 बजे के गए थे, 2 से हमें 11 मतलब हम खुद में निकले थे 9 बजे अपने वहाँ से, तो उनके टांके टोंके लग के 10:30 बजे फ्री हुए। सोच लो भाई एमरजेंसी में गए थे 2 बजे, तो उन्होंने टायर स्पॉट उन्होंने साफ सूफ कर दी, तो भाई मेन हुआ था कि भाई किसी मतलब इम्पैक्ट जो पड़ा था ना बाइक साइड में, गाड़ी वाले सीधे बाइक में मार दी, उसका पैर का मांस जो था ना वो फट गया था, तो कट की तरह, तो वो फट गया, पर भाई ने पूरा हौसला रखा है। तो भाई क्या बोल सकते हैं, पर होता रहता क्रैश, पर भाई हमारा सेफ है, तो इसलिए भाई कुछ ज़्यादा भाई मैं तो मैं दिखाना नहीं चाहता, मैं इसलिए आपको टॉपिक बता रहा हूँ, सिंपल से फंड है, तो भाई हमारा भाई सेफ है। और ऑफ द टॉपिक बात करूं कि भाई आप बंदे बोल रहे होंगे कि भाई बाइकर्स की गलती, भाई बाइकर्स भाई अपना बंदा तो है ना, वो पूरा साइड आ चुका था, मैं चलो मान दो हाँ इस थोड़ा सा यहाँ उस साइड आ गया था रॉन्ग साइड, पर बंदा साइड में था, बंदा साइड में था जो पूरी मतलब ऐसे बंदा था ना जब दूसरी तरफ से आते हैं तो ऑटो के साइड में बाहर चले होते हैं, ऐसे बंदा पूरे साइड में आके बाहर रुक गया था, वरना लगती ना तो पीछे पिलन बैठा होता, बाइक पूरे टोटल लॉस होती जब स्पीड से बसता, कोई स्पीड से नहीं बचा भाई वहाँ से। तो भाई गाड़ी वाले थे तो उन्होंने हेल्प की हमें वहाँ तक, भाई हॉस्पिटल तक पहुँचाया, उसके लिए भाई सो मच थैंक यू भाई, ऐसे जब भी किसी को कुछ ऐसा हो तो भाई हेल्प करो हमेशा। तो मैं यही बोलूँ कि भाई भाई के लिए मतलब प्रेयर करो कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, थोड़ा सा छोटा सा फ्रैक्चर, और मेन उनका टांके का इशू नहीं होता ना, तो भाई फ्रैक्चर जल्दी से रिकवर हो गया भाई, ठीक हो जाते। मैं तो यही बोलूँ भाई कभी कुछ हो तो हेल्प करो, तो बस यही बोलना चाहता हूँ कि आपने फ़ोटो देख ली कैसे सीन हुआ था, तो भाई बस ये बोलूँ कि कभी भी आप किसी को देखकर पुश मत करना, भाई ने पुश नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, अभी यार हम नॉर्मल चले हुए थे यार, वो मेन हुआ कि भाई वो
थोड़ा होता ना भाई, मैं पास लेते वक्त वो साइड में निकल गए, और भाई वो गाड़ी वाला है ना, उसने ड्रिंक की हुई थी भाई ड्रिंक, पता कैसे बंदे का भाई गाड़ी टूट गई ना, बंदे ने पता क्या बोला भाई, मेरे गाड़ी का खर्चा ये, एक तो वो प्राइवेट व्हीकल तो था नहीं, वो सरकारी व्हीकल था, तो प्राइवेट जो मतलब वो बोलो कहते टैक्सी टैक्सी टाइप जो होते हैं टैक्स वाले, तो उस सब का वो था। बंदा बोलता कि भाई बंदे का पैर में लग गई भाई, बंदे ने ये नहीं बोला कि आप जो हॉस्पिटल में ना एम्बुलेंस का फोन करो भाई, तब भी हम भी आगे थे हम, मेरे को लगा कि भाई ऐसे कुछ सीन हो गया, तो हम पीछे आगे खड़े हुए थे, बंदे ने बोला ऐसा सीन हो गया, हम भाई तुरंत पीछे गए और हमने ऐसा सीन किया भाई, वहाँ पे हेल्प की, मतलब हेल्प हमने कुछ नहीं कर पाया, जो गाड़ी वाले थे उन्होंने हेल्प कर दिया एट द स्पॉट वहाँ पे, ये भाई चलो वहाँ पे नाइस थे, जो बस एक बंदा था वहाँ पे जो उसने गलत बोला भाई, बोल पता क्या बोला गाइस उसने, मतलब उन्होंने पता क्या बोला भाई, वो बोलते कि बाइक वाले ऐसे मरेंगे ये वो, भाई भाई ऐसा मत बोल भाई, किसी का लड़का है यार, वो किसी का घर का एक चिराग है, तो मत तो बोल ऐसे किसी को, बाइक लेके जाते हैं भाई हम रिस्पॉन्सिबिलिटी होकर जाते हैं, बाई चांस भाई हम गलत हो ना तो भी हम किसी को दूसरे को, भाई मेरे ब्लॉग में देख लो ना भाई, मैं किसी को कभी गलत नहीं हूँ, मेरी गलती थी तो मैं सॉरी बोलता हूँ, मेरी गलती नहीं है तो मैं सॉरी बोलता हूँ, तो मैं यही बोलूँ कि भाई आप सेफ चलो सेफ रहो, और बहुत बहुत बड़ी होगी बात है, तो अभी हम ऐड भाई हमारा तब से मूड ख़राब था, तो अभी मेरे पास पेंडिंग दो ब्लॉग पड़े राइड के, तो वो डाल दूंगा, तो अभी रिसेंटली तो देखते हैं फिर क्या बनता है, बस आप सब सपोर्ट बनाए छोड़ो, भाई को प्रेयर करो कि हम जल्दी से भाई ठीक हो जाए, फिर भाई के साथ आएंगे, तो अभी तो भाई को टांग के लगे हैं और मेन प्लस्तर चढ़ा हुआ है, तो बार बार जाना पड़ रहा है भाई को, तो भाई मैं ये बोलूँ कि बी सेफ रहो और सेफ्टी सेफ्टी गियर के साथ चलाओ बाइक को, और भाई कभी भाई ड्रिंक करके बाइक बाइक या कुछ मत चलाना, तो अब मैं क्या बोलूँ भाई, ऐसे कुछ था आज का ब्लॉग, तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं नहीं बोलने वाला इसमें, वीडियो को लाइक करो कमेंट करो, बस आपको भाई अब सपोर्ट करो, कि भाई मैं तब पता क्या जब हॉस्पिटल में थे ना गाइस, तब मेरे पास इतना नहीं था कि हम भाई हम प्राइवेट में जा सकूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप समझ सकते हो, तो बस आप सपोर्ट बनाए छोड़ो, तो भाई का फिर रिकवर हो जाएंगे, फिर भाई के साथ मारेंगे अच्छी सी राइड, तो भाई भाई पूरे जोश में थे, तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तो बाय बाय यार, गुड नाइट।